जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में पावर दिखाने का खेल चल रहा है। समन भेज भेज कर ईडी अपना पावर दिखाता है, तो सरकार कैबिनेट में अधिकारियों को ईडी के सामने सीधे नहीं जाने का आदेश पारित कर अपना पावर दिखाती है। ईडी के समन पर नहीं जाकर लोग अपना पावर दिखाते हैं। ईडी मुख्यमंत्री को कहता है कि आप बार बार समन की अवहेलना करेंगे तो हम अपना कानूनी पावर दिखाएंगे और आप नहीं आए तो हम आएंगे। सीएम ने मौके की नज़ाकत को भांप लिया और ईडी को 20 जनवरी को अपने आवास पर बुला लिया। लेकिन फिर सत्ताधारी दलों ने अपना पावर दिखाया, ईडी को चेताया, हड़काया, धमकाया, बोले बीजेपी के दम पर ईडी उड़ रहा है तो हमको भी पर कतरना आता है। बंधु तिर्की ने ढेल मुंगरा निकालने की चेतावनी दी तो सुप्रियो दादा भी दादागिरी दिखाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने ईडी को विभत्सरस का दर्शन कराया, लेकिन लाट साहब को उनका यह पैतरा रास नहीं आया। गवर्नर साहब उखड़े और हत्थे से उखड़े, कह दिया कि ईडी अपना काम कर रहा है और हेमंत सोरेन को उसके सवालों का सही सही जवाब देना है। इसमें कानून व्यवस्था का संकट कहां से आ गया? कोई कानून से ऊपर थोड़े ही है। जब प्रधानमंत्री को एसआईटी को जवाब देने में दिक्कत नहीं होती है तो उनसे बड़ा भला फिर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल पहले भी चिंता जता चुके हैं और जब जब राज्यपाल कुछ कहते हैं तो लोगों को उनके ऑफिस की किसी दराज में या किसी अलमारी में पड़ी किसी फाइल में रखे लिफाफे की याद आ जाती है और सियासी माहौल गर्मा जाता है। खैर, बात पावर की हो रही थी। महामहिम तो सर्वे सर्वा हैं, चाह जाएं तो शासन प्रशासन अपने हाथ में लेकर खुद सरकार बन जाएं। लेकिन ईडी भी कम नहीं है। ऐसे ही देश भर के विपक्षी नेता ईडी के नाम से कांपते नहीं हैं। कहे कि ईडी मारता कम है, घसीटता ज़्यादा है। केंद्रीय एजेंसी है, कानूनी पावर है, लेकिन झारखंड सरकार ने पावर को चैलेंज कर दिया। कैबिनेट सचिव ने ईडी के ईगो को हर्ट कर दिया तो ईडी को गुस्सा आना ही था। झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कुछ दिन पहले ईडी को पत्र लिखकर कहा कि वह राज्य के सरकारी अधिकारियों को भेजे गए समन के पीछे के पूरे मामले को स्पष्ट करे, यह बताए कि संबंधित अफसर के विरुद्ध क्या आरोप हैं, एजेंसी को जांच में उनके विरुद्ध कहां मिला, क्या मिला, साक्ष्य है कि नहीं, ये सब बताएं, और किस मामले में पूछताछ की जानी है, ये सब बताओ। राज्य सरकार पूरी जानकारी मिलने के बाद ही सरकारी अधिकारियों को ईडी के सामने भेजने का या नहीं भेजने का निर्णय लेगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने अपने पत्र में ईडी को बताया कि पिछली 9 जनवरी को झारखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि राज्य सरकार के पदाधिकारी अब राज्य की जांच एजेंसी के अलावा किसी भी दूसरी जांच एजेंसी के समन पर सीधे सीधे हाजिर नहीं होंगे। वे इन एजेंसियों को सीधे दस्तावेज या सरकारी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। समन मिलने पर उन्हें सबसे पहले अपने रिपोर्टिंग हेड को यानी विभागीय प्रमुख को सूचित करना होगा। विभागीय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह बिना देरी किए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग इस पर विधिक परामर्श लेगा। उसके बाद इस विषय पर निर्णय लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया बना दिया गया है और इसी फैसले की आड़ लेकर साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, जिनको सब लोग पिंटू जी के नाम से जानते हैं, ईडी के समन पर नहीं गए। हालांकि उनके यहाँ 3 जनवरी को छापेमारी भी हुई थी। तो ईडी ने कैबिनेट सचिव को अपना पावर बता दिया है। ईडी ने कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल के पत्र का जवाब भेजा है। ईडी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य सरकार को यह पावर ही नहीं है कि वह राज्य के किसी भी अधिकारी से जानकारी मांगने और समन जारी करने का कारण पूछे। ईडी अमूमन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करता है और उसे अपनी जांच के लिए राज्य सरकार की किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। वह जहां चाहे, जिससे चाहे, जब चाहे पूछताछ कर सकता है, समन भेज सकता है। ईडी किसी भी बड़े मामले का वित्तीय एंगल निकलने पर उसकी जांच करता है और ख़ासकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA
इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 FEOA के तहत नकेल कसता है। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की हेरा फेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है, फिर ईडी थाने से FIR लेकर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकता है। ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वह जांच शुरू कर सकता है। ईडी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकता है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसी कारण बताएगी या नहीं या उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने किसी सक्षम अधिकारी के सामने बयान दिया गया है तो वह अदालत में सबूत माना जाता है और इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल से मिलती है। FEMA और PMLA मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकता है, तो ये ईडी ने अपना पावर सरकार को बता दिया है, तो पावर गेम चल रहा है। अब आते हैं राज्यपाल के आज के बयान पर। ये बयान पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why? Public is angry, he said. Why public is angry? Why public should get angry? No questions? No questions. In a democracy is not allowed. You know the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time. You have to give the answers if you want to become the leader. Thank you, sir. तो दोस्तों आपने बयान देख लिया। 16 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया था। सुप्रियो दादा ने ईडी की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कहा था कि इससे राज्य की जनता में काफ़ी आक्रोश है और ईडी ने अगर इस चेतावनी को समझने में देर की तो इसके विभत्स परिणाम हो सकते हैं। 15 जनवरी को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बयान दिया था कि राज्य के आदिवासी समाज में ईडी की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है, एक चुनी हुई सरकार को चुनौती दी जा रही है। इन लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी लोग जनी शिकार भी करते हैं, आदिवासी अगर गुस्सा जाएं तो ईडी बीडी सीडी क्या है, ये लोग आदिवासियों की भावना को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन ढेल मुंगरा निकल गया तो इनको दिक्कत हो जाएगी। ढेल मुंगरा यानी ढेला फोड़ने वाला हथौड़ा नुमा लकड़ी का हथियार होता है। तो आज इकफाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन से सुप्रियो भट्टाचार्य के बयानों पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि 20 जनवरी को आशंका जताई जा रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, तो राज्यपाल ने कहा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों असर पड़ेगा, ईडी अपना काम कर रहा है और CM हेमंत सोरेन को सही सही जवाब ईडी को देना है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात कहाँ है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई बात ही नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि आखिर पब्लिक क्यों गुस्सा होगी। उनसे पूछा गया था कि ये कहा जा रहा है कि जनता में काफ़ी आक्रोश है, तो राज्यपाल ने कहा कि जनता को गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। लोकतंत्र में इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी SIT को सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपको जननेता बनना है, लीडर बनना है, तो आपको जवाब देना ही होगा। तो सरकार ने अपना पावर दिखाया, अफसरों को कहा कि ईडी के सामने मत जाओ। JMM और कांग्रेस ने जनता की ताकत का पावर दिखाया और कहा कि परिणाम गंभीर होंगे और ईडी को अपना पावर दिखाया। राज्यपाल महोदय को पावर दिखाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन उन्होंने पावर दिखा दिया उस दिन सब पावरलेस हो जाएंगे और जो लोग समन मिलने पर नहीं जा रहे हैं उनको अगर ईडी ने पावर दिखा दिया तो उनको भी काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। तो दोस्तों 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी का क्या रुख रहता है
और एक बार जब मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए राजी हो गए तो दूसरे वैसे लोग जो समनों पर नहीं जा रहे हैं उन पर ईडी क्या कार्रवाई करेगा। इन सब का जवाब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद धीरे धीरे मिलने लगेगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।